वहीं पर अगर हम लोग बोल्ट एक्शंस की बात करें तो अल्फा 7 क्लच गॉड के ऊपर हावी होती है। जोनाथन एक दूसरा एंगल पकड़ना चाहते हैं, बट विल दैट बी वर्थ इट? दैट्स माय क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि जोनाथन को भी स्पॉट तो किया गया, एंड अगेन ये फाइट है ब्रिज के बाहर की। जी हां, अभी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, गॉडलाइक को मूव ही करना होगा। पीछे से ब्लू जोन भी आ रहा है, अल्फा 7 काफी चीकी तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है गॉडलाइक के ऊपर। जोनाथन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहने वाला है कि अब वो अपनी टीम की सेविंग ग्रेस बन चुके हैं। उन्होंने एक ऑफ एंगल लेने की कोशिश कर ली, वहां तक पहुंच गए, स्पॉट तो हो चुके हैं, पर पहुंच चुके हैं तो देखना होगा कि अल्फा 7 का अगर ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका लेते तो उनके टीममेट्स के लिए एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। बट फिलहाल यहाँ पे अल्फा 7 के प्लेयर्स ब्लू जोन के अंदर ही रखना चाहते हैं टीम गॉडलाइक को। बट नियो ने देखिए काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक पिक निकाला, और वो रश करेंगे या नहीं वो एक सवाल है, बट कारियो थोड़ा दूर हो गए, पीछे देखने लग गए क्योंकि प्लेयर्स उनके साइड से निकल गए। बट अब गॉडलाइक के प्लेयर्स धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर रिवाइव जरूर दिया जाता है, बट क्लच गॉड यहाँ पर पिक हो जरूर सकते हैं, उनको ऑफ एंगल से पकड़ा जाएगा। एंड आप देखिए जी गॉड को भी यहाँ पर डाउन किया गया है, बट टॉप कहां पर चढ़ के बैठे हुए थे फोर राइवल्स के प्लेयर्स को पिक करने के लिए, नियो ने सेंटेक्स को वहां पर पिक किया जरूर, फोर राइवल्स का एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाए, बट नियो को भी डाउन किया जाएगा। जोनाथन आखिरी प्लेयर बचे हैं, सर्कल के बाहर की फाइट, गॉडलाइक के तीन प्लेयर्स डाउन, जोनाथन को एक प्लेयर को यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। एक नेड उनके पास है जरूर, वो नेड अगर सही एंगल पर जाता है जरूर फायदा होगा, एंड द नेड गोस बूम, प्लेयर गो बूम, जोनाथन एक अच्छा पिक यहां पर निकालते नजर आएंगे, लेकिन जोन का डैमेज क्लच गॉड को ले जाएगा, जी गॉड को ले जाएगा, ही डजंट हैव टाइम। नियो को रिवाइवल तो जरूर दे देंगे, बट उन्होंने इस फाइट में अपने दो प्लेयर्स को खो दिया, एंड कारियो ही हैज नो चॉइस, उनको तो यहां से शायद निकलना ही पड़े, नियो को हील करना पड़ेगा। जोनाथन अभी भी सेविंग ग्रेस बन रखे हैं टीम के, बट क्या वो कारियो को स्पॉट कर पाए वो सवाल है। अभी के लिए जो पिक्स है वो निकालते नजर आ रहे हैं, बट अगर उनको एक गोली पड़ी यहां पर दिक्कत हो जाएगी, कारियो उन्हीं को स्पॉट करना चाहते हैं। इन सब चीजों के बीच में अगला सर्कल बनने वाला, लेकिन जोनाथन को पिक किया जाएगा और उनको वापस से रिवाइव होना है, हील होना है, जोन की मार देखनी पड़ेगी। एंड कारियो नोज राइट नाउ दैट यस, गोइंग टू द सर्कल कैन बी अ गुड डिसीजन, बट इज इट वर्थ इट राइट नाउ? क्योंकि प्ले जोन आप देखिए, अब प्ले जोन यहां पर प्लेयर्स को पिक करने वाला है बार बार। बहुत अच्छी फाइट यहां पर गॉडलाइक ने ली थी, बट कारियो 7 फर्स्ट एड्स हैं इस प्लेयर के पास, ये चाहे तो यहां पर रुक सकता है। एग्जैक्टली, कारियो काफी देर तक गॉडलाइक के प्लेयर्स का इंतजार कर सकते हैं और उनको बेट कर सकते हैं ब्रिज पे आने में, जहाँ पे एस्केप ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और फिर वहाँ पे एक बार फिर से इन दोनों टीम्स के बचे हुए प्लेयर्स की भिड़ंत होगी। जोनाथन अब देखना होगा कब वापस से हमको अगले मैच में क्या करते हुए नजर आते हैं। इस मैच में नियो है जो अब अपनी टीम का भार संभालेंगे, किसी तरह से आगे सर्वाइव करने की कोशिश होगी। नोवा की दूसरी तरफ